निर्गमन अध्याय 18 निर्गमन अध्याय 18 और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक इत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर इत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेजी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इसमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेरशोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूं, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर इत्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर इत्रो हूं और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूं। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशलक्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इसराइलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इसराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर इत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है। उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता हूं और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या परन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे, तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ही ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे
तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इसराइलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास, दस दस लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया।